स्टार राकेश किचन में आप पर लोगों का स्वागत है। आज आपको हम आलू मटर समोसा बनाने ना सिखा रहे हैं। हमने ये जीरा पाउडर लिया है, हरी मिर्च लिया है और धनिया पाउडर है, अदरक है चॉप, चाट मसाला है, हरी धनिया है, मटर है, ये हमने लाल मिर्च ले रखा है, ये नमक है। और सब तेल डाल रहे हैं आलू मटर समोसा बनाने के लिए। हमने ये तेल डाल दिया, करीब 1.5 चम्मच तेल है, छोटे चम्मच से। और हमने ये 6 आलू ले रखा है, बारीक ना करें, मोटे मोटे। इस तरह से आलू को मैश कर लें। के लिए सबसे पहले हम धनिया डालेंगे, साबुत धनिया डाल रहे हैं। ये धनिया हमारा थोड़ा लाल हो जाए। अब इसमें हमारी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, दोनों तरफ ही पकाएंगे हम। अब इसके बाद हम जो इसमें मटर डाल देंगे, मटर को 3-4 मिनट भूनेंगे, 5 मिनट। मटर को 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे आलू मटर समोसा के लिए। डेढ़ चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम ये लाल मिर्च डाल रहे हैं। अब इसे मिक्स करना है। यह हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने आलू तोड़ रखा है। यह आलू हमने डाल दिया इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे। थोड़ा सा अब ऊपर से धनिया डालेंगे, यह हरी धनिया हमने डाल दिया, और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया इसे। ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो गया। अब ये मसाला हम निकाल लेंगे समोसे का। हमने मसाला निकाल लिया है, अब इसके लिए हम आटा लगाएंगे। आलू मटर समोसा के लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 कटोरी हमने ये घी लिया है, घी डालेंगे, और इसमें हम हिसाब से पानी डालेंगे। उतने हिसाब से पानी डालना जब गीला ना हो। मटर समोसे के लिए अब हम इसकी लोई काटेंगे। इस तरीके से लोई काटेंगे और उसके बाद समोसे में हम भरेंगे। हम तेल गरम कर रहे हैं, इसमें हम समोसे तलेंगे। ये हमारा तेल गरम हो रहा है, बेल के हम भरेंगे। इस तरीके से बेलना है। इसे भी इसे काट देंगे, ये हमने काट दिया। इस तरीके से 2 हो गए।
थोड़ा सा पानी हाथ में लगाना है और चारों तरफ से यूं करके लगाना है। इसमें आलू मटर समोसा के लिए ये करके ये वाला हिस्सा ऐसे चिपकाना है। ये देखना कितना बढ़िया से चिपक गया। अब इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। ऐसे करके अच्छे से मसाला हमने भर दिया। अब इसे ये वाला हिस्सा ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये हमारा समोसा तैयार हो गया। अब इसे हम इसी तरीके से सारे बनाएंगे। ये भर लिए, अब हम फ्राई करेंगे समोसे को। अब हम इसमें समोसे डालेंगे। सारे समोसे एक एक करके ऐसे डाल दें कढ़ाई में। उसके बाद जब लाल हो जाए समोसे तब निकाल दें। तेल का ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए समोसे के लिए। मीडियम साइज का तेल गर्म रहे। इसके बाद हमारा समोसा टेस्टी तैयार होने वाला है। चुका है, इसी तरीके से लाल हो जाए फिर इसे निकाल लें समोसे को। ये हमने समोसे कढ़ाई से निकाल लिए। समोसे का रेसिपी पसंद आया हो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी जरूर दबाइए।